नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कनेक्शन नेटवर्क के कॉरपोरेट शो हाई फ्लायर्स में स्वागत है। मैं सुनील मुद्गल आपके सामने आज एक नई प्रगतिशील कंपनी को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के माध्यम से हम उन स्मॉल और मिड साइज कंपनीज के बारे में चर्चा करते हैं जिनके मैनेजमेंट की दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और कठोर परिश्रम की बदौलत वे सफलता प्राप्त करते हुए देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आज हम बात करेंगे फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक ऐसी उभरती कंपनी की जो टेक्नोलॉजी के इस युग में प्रधानमंत्री के कैशलेस इकोनॉमी के विजन को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NPST लिमिटेड की। NPST यानी नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मुंबई स्थित NPST लिमिटेड को टेक्नोक्रेट दीपक चंद ठाकुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष जी अग्रवाल और श्रीमती सविता वशिष्ठ जी ने प्रमोट किया है, जिनकी डायनेमिक लीडरशिप में फिनटेक कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और देश की एक अग्रणी फिनटेक कंपनी बनना चाहती है। कंपनी जल्दी अपना IPO भी ला रही है। संभवतः यह NSE एमर्ज में लिस्ट होने वाली पहली फिनटेक SME कंपनी होगी। NPST लिमिटेड की विकास यात्रा, मौजूदा स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमने NPST लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक चंद ठाकुर जी को आमंत्रित किया है। दीपक जी, आपका हाई फ्लायर शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले NPST लिमिटेड की विकास यात्रा और आज तक की मौजूदा स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो। NPST स्टार्टेड इन 2013। सो हमने जब ये कंपनी बनाई, हमारा उद्देश्य ये था कि हम कैसे डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और किस तरह से हम एंश्योर करें कि जो भी हम सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज मेड फॉर द पीपल एंड मेड फॉर ऑल दोज हु रियली नीड डिजिटल पेमेंट्स अराउंड रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन। दीपक जी, हमारे दर्शकों NPST लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बताइए। तो सुनील जी, NPST का अगर आप बिजनेस देखें, सो यू कैन सी द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन थ्री स्पेसिफिक डोमेन्स। सो द फर्स्ट डोमेन वी आर कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर इन इंडस्ट्री। सो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर फॉर बैंकिंग, where we provide certified payment solutions for banks. अब इसमें हमारे पास जो products हैं, we own the IPR for those products. Mobile banking, IMPS, UPI, ये सारे certified solutions हैं. IMPS and UPI can be implemented only after a thorough certification by NPCI for its bank. We are going through all the processes. इसके अलावा हमारे पास वॉलेट प्लेटफॉर्म है, हमारे पास मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है और हमारे पास द मोस्ट एडवांस जो प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यूज हो रहा है, दैट इज मर्चेंट सॉल्यूशन फॉर यूपीआई। तो ये सारे प्रोडक्ट का IPR हम ऑफर करते हैं, IPR फॉर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर बैंक। वी आर डूइंग दिस फॉर आई थिंक वी आर ऑन 6th ईयर राइट नाउ डूइंग दिस बिजनेस। वी कैटर टू लार्ज state banks, we are catering to the entity of Canara Bank and Syndicate Bank, for example. We are catering to Karnataka Grameen Bank, again, which is the largest RRB, Kerala Grameen Bank, second largest RRB. We are also providing the solution to Cosmos Bank, which is Cobra. So, ये जो पूरा solution है, ये solution हमारा पिछले 5-6 साल में काफी evolve हुआ है और इसी सोल्यूशन के ऊपर हम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म भी ऐड कर रहे हैं। द सेकेंड डोमेन दैट यू कैन लुक एट इज मर्चेंट PSP। सो बेसिकली वी आर ऑथराइज्ड बाय NPCI टू लॉन्च अवर ओन भीम UPI एप्लीकेशन। हम स्पॉन्सर्ड हैं बाय कॉस्मोस बैंक and after following all the regulatory compliances and all the circulars laid down by NPCI and obviously our sponsor bank, we have got the approval and go ahead from NPCI to launch this UPI solution. So agar aap NPCI ke site par jaake dekhe aur UPI mein aap dekhe TPAP mein there are 20 players right now in the country who are authorized to
UPI transactions right on their platform. So we'll be authorized to deliver the solution directly to the customer. Or is platform to offer, we started writing the innovative solutions to cater to specific merchant categories. अब ये वो मर्चेंट कैटेगरी है जहां पर कलेक्शंस के काफी ज्यादा इश्यूज है और ये मार्केट कम्प्लीटली ओपन है. तो एक एग्जांपल देता हूँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है. सो वी आर केटरिंग टू दिस सेगमेंट. तो पेमेंट सॉल्यूशन है, उसके ऊपर इनवॉइसिंग, पेमेंट्स, ई रिसीट्स, रिमाइंडर्स, शेड्यूल पेमेंट्स, ऑटो एंट्री इनटू बुक ऑफ अकाउंट, ये पूरा का पूरा लेयर आता है. उसके ऊपर उस डोमेन की एक्सपर्टीज आती है. तो ये हमने स्टार्ट किया था कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के साथ, लेकिन हमें काफी सारा डिमांड आने लगा फ्रॉम डिफरेंट मर्चेंट कैटेगरी. सो एज ऑन टुडे वी आर आल्सो हैविंग जिम्स, हॉस्टल्स, कोचिंग क्लासेस, ये सारे सेगमेंट को हम डिलीवर कर रहे हैं हमारा सोल्यूशन. इसके अलावा और भी नए नए मर्चेंट कैटेगरीज एड हो रहे हैं, बिकॉज कलेक्शन इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस एंटायर मर्चेंट कैटेगरी. तो मुद्दा यही है कि ये सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जहां पर आपके सारे छोटे मर्चेंट्स, ये सारे मर्चेंट्स को ऐसा सोल्यूशन मिले जहां पर उन्हें कंप्लायंसेस की जरूरत ना पड़े और उन्हें वो सारा का सारा प्लेटफॉर्म एक सिंगल यूजर इंटरफेस मिले. तो तीसरा हमारा डोमेन है, दैट इज आईटी सर्विसेज. अब क्योंकि हम आईटी प्रोडक्ट कंपनी है एंड वी हैव अ ह्यूज टेक्नोलॉजी स्टैक राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बैक एंड, द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, द पोर्टल्स, बियॉन्ड दैट द मॉनिटरिंग टीम, द इंफ्रास्ट्रक्चर टीम जो है वॉलंटियर, तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक है वो हमारा अवेलेबल है एंड लॉट ऑफ सर्टिफाइड गाइड इन माय टीम. तो हमारा जो लेफ्ट ओवर होता है, ये दो फोकस डोमेन के अलावा जो भी हमारा लेफ्ट ओवर मिलता है, वी यूटिलाइज टू एंश्योर दैट वी वर्क ऑन द मोस्ट इनोवेटिव रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री. और वो हमारा आईटी सर्विसेज डोमेन में आता है, व्हिच ऑब्वियसली एड्स टू द मार्जिन एंड यू नो इट गिव्स अस द कैपेबिलिटी टू कीप लुकिंग एट द न्यूअर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड द रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री. तो ये हमारा तीन डोमेन है जहाँ पर पूरी कंपनी आप देख सकते. दीपक जी, NPST का जो पेमेंट ऐप है टाइम पे, वो कस्टमर्स को और यूजर्स को कैसे बेनिफिट देता है? श्योर सुनील जी, टाइम पे सिर्फ हमने पेमेंट एप्लीकेशन बनाया, हमने एंश्योर किया कि जो कलेक्शन से प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को सॉल्व कर सके. सो आप टाइम पे को दो भागों में देख सकते हैं, पहला तो मर्चेंट्स के लिए, दूसरा यूजर्स के लिए. तो हम ये एप्लीकेशन मार्केट में यूजर्स को ऑफकोर्स दे सकते हैं, बट सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म देते हैं मर्चेंट को ताकि मर्चेंट एम्पावर हो जाए. इसमें मैं एक यूज केस आपको बताता हूँ, विच इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. सो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हम पूरा का पूरा एक सोल्यूशन देते हैं मर्चेंट को, जहाँ पर वो अपने पूरे सोसाइटी को ऑनबोर्ड करता है. ऑनबोर्ड करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है वन टाइम, टिल द टाइम ही वांट्स दैट एंटायर ऑटो सॉल्यूशन टू वर्क. तो अगर वो कॉन्फ़िगर करता है, उसमें वो कॉन्फ़िगर करेगा कि उसको कितने चार्जेस किससे कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, रेट क्या होना चाहिए, अगर डिले हुआ तो क्या इंटरेस्ट रेट उसमें लागू होना चाहिए, कौन सी डेट को वो इनवॉइस देना होना चाहिए, उसका ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट के बाद वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, फिर कितने महीनों के बाद एक नोटिस जाना चाहिए अगर पेमेंट सही हो रहा है, उसका अकाउंटिंग बुक में इम्पैक्ट क्या होगा, लेजर एंट्रीज क्या होगी, इसके अलावा इसके जो कंप्लायंस रिकॉर्ड है वो कैसे क्रिएट होंगे, वो सारा का सारा सोल्यूशन एक सोसाइटी मैनेजर या एक कोई भी सोसाइटी का बंदा मैनेज कर सकता है थ्रू आर टाइम पे ऑनलाइन पोर्टल timepeonline.com. अब इसके अलावा अगर आप इसकी जर्नी देखें तो जो मैनेजर है वो पहले यूजर को ऑनबोर्ड करेगा, फिर उसकी इनवॉइस कॉन्फिगर करेगा, वो इनवॉइस रेज करेगा और वो इनवॉइस पहुंचेगा
मेंबर के मोबाइल ऐप। अब मेंबर को जो एप्लीकेशन मिलेगा वो सोसाइटी का कस्टमाइज्ड मोबाइल ऐप मिलेगा। अगर 1,00,000 सोसाइटीज है तो 1,00,000 अलग अलग कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन बनेंगे, तो उस सोसाइटी के नाम का एक एप्लीकेशन उनके मेंबर्स को मिलेगा। मेंबर को नोटिफिकेशन आएगा, उनको वो इनवॉइस क्लियर भी दिखाई देगा कि उसके इस महीने के क्या चार्जेस है, उसके कहाँ पे करना है। नाउ बिकॉज नाउ दिस इज द यूनिक फीचर दैट यू विल फाइंड इन दिस कैटेगरी, बिकॉज वी आर एन ऑथराइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर, उस इनवॉइस के साथ वो अपना बैंक अकाउंट लिंक करके उसका पेमेंट कर सकता है। जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसका ई रिसीप्ट उसी मोबाइल ऐप में आ जाएगा, उसको मेल्स पर आ जाएगी और उसका एंट्री द बुक ऑफ अकाउंट्स वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसके बाद जो रिकंसिलिएशन है, कितना इनवॉइस रेट हुआ था, उसके अगेंस्ट किस मेंबर ने पेमेंट किया है, किसका ड्यू है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रियल टाइम बेसिस पर किसी भी सोसाइटी में आ जाएगा। तो ये पूरा यूज केस है। अब इसमें जो मर्चेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, दूसरा मेंबर का जो प्रॉब्लम है जो स्पेसिफिक टू हिज रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, पेमेंट सॉल्यूशन अराउंड द सोसाइटी रिलेशंस, ये सारा का सारा उसी में मैनेज हो जाता है। अब इस पर हमने डोमेन एक्सपर्टीज ऐड करनी चालू कर दी कि सोसाइटी के सारे अनाउंसमेंट उसी में आए, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन उसी में हो, अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो उसका अग्रीमेंट वहीं पर हो जाए, इसके अलावा मेंबर के जो भी क्वेरीज है वो उसी में सॉल्व हो जाए, कंप्लेंट मैनेजमेंट उसी के अंदर आ जाता है, और जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में लोगों को कंसर्न है सिक्योरिटी ऑफ द प्रीमाइसेस। तो सिक्योरिटी ऑफ द प्रीमाइसेस जो डिजिटल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ विजिटर, वो भी इसी एप्लीकेशन का हिस्सा है। अब डिपेंड करता है कि इसको क्या जरूरत है। इफ देयर इज अ सोसाइटी व्हिच कैन नॉट अफोर्ड, हु डज नॉट वांट visitor digital visitor application, they can straight away go for a solution to solve their collection problem. If someone wants a complete package, they can go for the complete package. Beyond that, usko jo virtual accounting ki suvidha chahiye to wo bhi isi application ka hissa hai. To aise hi merchant aur user dono ke problem solve karta hai. Deepak ji, generally market mein data सिक्योरिटी के बारे में लोगों को कंसर्न्स रहते हैं। एनपीएसटी ने अपने कस्टमर के डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, टाइम पे जो आपका पेमेंट गेटवे है उसमें आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ये मैं चाहता था आपसे पूछे, जो डेटा सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो पूरे इंडस्ट्री सब जगह है, इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, इट वर्क एवरीवेयर। अब एनपीएसटी इसमें कैसे काम करता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, वी आर एन ऑथराइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू बैंक। 6 साल से बैंक को डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, तो एक बैंक को किस तरह का डेटा सिक्योरिटी चाहिए, किस तरह का एप्लीकेशन सिक्योरिटी चाहिए, किस तरह के एनक्रिप्शन चाहिए, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस हमारे पास ऑलरेडी, ये सारा एक्सपीरियंस लेकर ही हम मर्चेंट पीएससी में आए और वहां पर हमने ये सॉल्यूशंस मर्चेंट्स के लिए क्रिएट किया। अब आप सर्टिफाइड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च ही नहीं कर सकते अगर वो एप्लीकेशन हमारे बैंक एनपीसीआई और जो भी कंप्लायंस है उसको फॉलो नहीं करता। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जहां पर मुझे मेरे सर्वर की सिक्योरिटी, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, मेरे डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज, मेरे सोर्स कोड की सिक्योरिटी, इन सारे के सारे और मल्टीपल मेरे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी, इस सारा का सारा सिक्योरिटी मुझे प्रूव करना पड़ता है। जब तक मैं उसको प्रूव करके थर्ड पार्टी सर्टिन ऑडिटर से सर्टिफाई करने देगा, तब तक मुझे मेरा पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च करने की इजाजत ही नहीं है। ओनली देन आई एम अलाउड टू लॉन्च माय एप्लीकेशन। सो यू कैन बी वेरी वेरी अश्योर्ड दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एप्लीकेशन सर्टिफाइड एज पर द बैंकिंग नॉर्म्स व्हिच हैज बीन लेड डाउन फॉर एनी पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और दूसरी बात, अगर मैं आपको ट्रांजेक्शन फ्लो बताऊं,
इसमें हमारे प्लेटफॉर्म में, वी आर अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, वी आर नॉट बैंक। तो जो ट्रांजेक्शन होता है, जो पेमेंट जो ट्रांजेक्ट होता है, वो दो बैंकों के बीच का, वी आर दी अरेंजर्स। आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन में, लेकिन जो आपका रिक्वेस्ट जनरेट होगा उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होगा और उसके हिसाब से जो ट्रांजेक्शन फ्लो होंगे, वो एक रेमिटर बैंक और बेनिफिशियरी बैंकों के बीच होता है। हमारा एप्लीकेशन वो पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर जो रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स के तहत काम करता है। दीपक जी, एनपीएसटी का जो पेमेंट ऐप है टाइम पे, उसका टारगेट मार्केट क्या है? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस टू सॉल्व द कलेक्शन प्रॉब्लम। तो अगर आप टारगेट मार्केट देखें, जहां भी जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है या जहां पर भी कलेक्शन के बारे में, उस पर काम करते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक मर्चेंट सेगमेंट है जिसमें हमारा मतलब फोकस है। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से वी विल बी इन द एंटायर कंट्री, अगर हम सारी चीजों को कंसिडर करें, तो देयर विल बी नथिंग लेस देन 7 लाख सच यूनिट्स। ये ह्यूज स्कोप है। फ्यूचर में जाके हर किसी यूनिट को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इट इज इम्पॉसिबल कि अगले 4-5 साल में कोई भी बिना सॉफ्टवेयर का काम करेगा, चाहे वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो, वो मेरा सॉफ्टवेयर है या किसी कॉम्पिटिटर का सॉफ्टवेयर है। बट दीज मर्चेंट कैटेगरी, दिस मर्चेंट कैटेगरी विल डेफिनेटली रिक्वायर सॉफ्टवेयर। ये इस तरह की मर्चेंट कैटेगरी में आपके जिम आ जाते हैं, जहां पर अगेन आपके कलेक्शन रिमाइंडर्स, अटेंडेंस, पेमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा कैटेगरी है इज हॉस्टल, पीजी, और जो चौथा कैटेगरी है वो है आपका कोचिंग क्लासेस, और इसी तरीके के मल्टीपल यूज केसेस ऐड होते जा रहे हैं। तो ये पूरा सेगमेंट हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है, और ये पूरा सेगमेंट में ये जो चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने की जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो हमने ऑलरेडी क्रिएट की है। अगर आप ज्योग्राफी देखें, तो वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशन स्ट्रेट अवे फ्रॉम टीयर 1 सिटी, इवन दो वी डिड आवर एमवीपी इन द एरिया ऑफ सेलर एंड लिटिल बिट ऑफ पुणे एंड मुंबई। वी रियलाइज्ड ह्यूज पोटेंशियल एंड ह्यूज चैलेंजेस इन टीयर 1, टीयर 2 एंड इवन द लोअर। इससे हमें काफी अच्छा स्प्रेड मिला, काफी अच्छा सबक मिला, और वी स्टार्टेड विद द क्लस्टर इन रांची, झारखंड में रांची, धनबाद और जमशेदपुर, उसके बाद इंदौर, भोपाल, लखनऊ, इवन प्रयागराज एंड वाराणसी। इसके अलावा हम अभी भुवनेश्वर में भी काम कर रहे हैं, और हमारे पास आज की तारीख में जो सबसे बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दैट इज कम फ्रॉम द ऑर्डर बुक फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। वी हैव नथिंग लेस देन 40,000 मर्चेंट्स जिसे हमें डिजिटाइज करना है। अब ये 40,000 मर्चेंट्स इज अक्रॉस ऑल 150+ ब्रांचेस ऑफ ऑफिस बैंक्स। ये 130 ब्रांचेस आर इन द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द स्टेट ऑफ गुजरात, then you will have branches in Hyderabad, you will see that in Indore, and you will see few branches even in the south of India. So ye jahan jahan ye branches hai, jahan jahan ye sare merchants exist karte hai, wo sara ka sara hamara geographical spread aa jata hai. Iske alawa government ne to already 100 smart cities ki baat ki hai, to hum at least 25 aise shaharon mein exist karna chahte hain jahan par hum ये सारे मर्चेंट कैटेगरी को लेते हैं। सो वी विल ऑब्वियसली बी गोइंग टू ऑल दीस सिटीज इन नियर फ्यूचर। ये ज्योग्राफी के बाद अगर हम हमारे अकाउंट को देखें, तो इन केस आई एक्वायर वन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके अंदर मुझे हर सोसाइटी के बीच लेट्स से देयर आर अबाउट 100 मेंबर्स, ईच ऑफ दीस 100 मेंबर्स विल बी रिक्वायरिंग सर्विसेज, द एंटायर सोसाइटी विल रिक्वायर सर्विसेज। सो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल स्केल हो जाता है, other than the multiple scheme which I have already explained now. The horizontal scheme mein kya hoga, every single electronic service provider will be on our application.
एवरी सिंगल वेंडर वो वॉक्स इनटू द सोसाइटी विल बी ऑन आवर एप्लीकेशन. जो पेमेंट है बियॉन्ड सोसाइटी रिलेशंस, जो आपके मर्चेंट रिलेशंस होते हैं, जो जिसे P2PM कहा जाता है, जो छोटे मर्चेंट कैटेगरी होते हैं, वो सारे के सारे आपके डोरस्टेप वेंडर्स होते हैं. तो ये सारे के सारे डोरस्टेप वेंडर्स जो आ रहा है उनके पेमेंट्स डिजिटाइज हो जाएंगे. और इसके अलावा जैसे हम एक यूजर को देखते हैं, हम कैसे देखते हैं यूजर को, वो सिर्फ अपना सोसाइटी रिलेशन भी हैंडल नहीं कर रहा, वो अपना डोरस्टेप मर्चेंट भी रिलेशन भी नहीं हैंडल कर रहा है, बल्कि उसके बियॉन्ड जो हाइपर लोकल सेगमेंट है वो पूरा हाइपर लोकल सेगमेंट हमारे सोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं. तो इन द बिगनिंग इट विल बी सोसाइटी रिलेशन, देन कम्स योर डोरस्टेप मर्चेंट एंड देन कम्स योर हाइपर लोकल सेगमेंट. ये पूरा का पूरा हमारा एक हॉरिजॉन्टल स्कीम है जो हमारे हर सोसाइटी के साथ आ रहा है. So that is a huge business opportunity which we see coming in the future. And that's not a big thing because we have already acquired a customer base. Deepak ji, NPST की competition के बारे में बताइए और साथ में आप अपने आप को उनसे अलग कैसे बता रहे हैं? Sure. So जैसे मैंने पहले कहा तो पेमेंट सोल्यूशन में आप हमारे जो पेमेंट कैपेबिलिटी है उसको इंडस्ट्री के जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है उनके आसपास उनके लगभग कंसिडर कर सकते हैं, जहां पर यूपीआई के इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म उसके जो जो तरीके होते हैं ट्रांजेक्शन करने के अक्रॉस ऑल यूपीआई ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग जो तरीके होते हैं उसे होते हैं उसका फिर उनके इंग्लिश का. सो यू कैन लुक एट एंटिटीज एंड द एप्लीकेशंस लाइक गूगल पे, फोन पे, यूपीआई एंड इवन पेटीएम जो यूपीआई स्पेसिफिक जो वो सारी कैपेबिलिटी जो यूपीआई की होनी चाहिए इस तरह की कैपेबिलिटी आपको हमारे एप्लीकेशन. उसके अलावा जब हम दूसरा जो चीज इसमें कंसिडर करें और भी जिन्होंने जो होना चाहिए उसको लॉन्च किया. सब अपना अपना एक्सपर्टीज लेकर चलते हैं, सबका अपना अपना डोमेन एरिया है एंड वी कम विद अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. वी आर नॉट वी आर जस्ट अराउंड द डोमेन एक्सपर्टीज बिकॉज वी हैव स्पेंट सिक्स इयर्स ऑलमोस्ट सिक्स इयर्स नाउ इन आवर डिजिटल पेमेंट सेगमेंट. वी हैव ब्रॉट दैट टीम टू दिस डोमेन. ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे. और उसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लास्ट 6 इयर्स इन आवर टाइम. दीपक जी, एनपीएसटी का लास्ट 3 साल के जब नंबर्स हम देखते हैं FY20 में एक डिप आया है, क्यों? या दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप एनपीएसटी का रिकॉर्ड देखोगे तो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो 3 साल पहले इट वाज अराउंड 72, 2 साल पहले इट वाज अराउंड 18 किया. अब हम पिछले 3 साल से हम कंटिन्यूअसली टाइम पे ग्रो कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो पीएसटी का लॉन्च हमारा जो इनिशियल प्लान था उसके हिसाब से वी वर एक्सपेक्टिंग दैट बाय FY20 वी विल बी लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट. अब लास्ट क्वार्टर में पहला तो कोविड का इंपैक्ट रहा, जहां पर मार्च में कुछ प्रॉब्लम आए, ये इंडस्ट्री में हर बूटस्ट्रैप ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज रहा है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस चीज को प्रायोरिटी दे सकते हो. तो जो चीज हमारी इतनी लंबी चल रही थी उसको कहीं ना कहीं हमने कंप्लीट नहीं की. सो विद द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज वी हैव बीन डिलीवरिंग सॉल्यूशंस टू मार्केट.
same set of resources we have been executing IT services. टाइम पे कंप्लीट करने के लिए हमें जो बैंडविड्थ चाहिए, मैनपावर चाहिए, वो हमने FY20 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके उसे कंप्लीट किया. वी डिड नॉट गो फॉर एडिशनल न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी एंश्योर दैट वी हैव द सॉल्यूशन इन हैंड जिसका बेनिफिट हमें आगे वाले साल में मिलना रहा. इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट कोविड का इम्पैक्ट लगातार रहा है, पूरी इंडस्ट्री को उसका चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. However, हमारा जो ये डिसीजन था, इसी डिसीजन की बदौलत आज हमारे पास इस प्रोडक्ट का अप्रूवल बना और इस प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में जा सकते हैं. तो ये नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहा है हमारा, जहाँ पर हम बूटस्ट्रैप मॉडल में काम करने के तहत हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है. तो FY20 वाज दैट ईयर फॉर दीपक जी. NPST IPO के बारे में प्लान कर रहे हैं, IPO प्रोसीड्स के बारे में बताइए. देखिए, पिछले 3 साल से हम जो विजन कैरी कर रहे हैं, जो हम पिछले 6 साल से बैंकिंग डोमेन में कैरी कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने. एज अ बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 7 ईयर्स वी हैव एंश्योर्ड दैट वी फॉलो एवरी सिंगल कंपोनेंट. हमने ये भी एंश्योर किया है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कस्टमर बेस, हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन और जो हमारा विजन है, कोर स्ट्रैटेजी है, उसके साथ चलता रहे. अब इसके बाद हम जो IPO लाना चाहते हैं, उसको हमने जो सोल्यूशन क्रिएट किया है उसका अगले 5-10 साल 15 साल तक जो लगातार उस पर इनोवेशन होने हैं, उस पर लगातार जो डेवलपमेंट्स होने हैं, एनहांसमेंट्स होने हैं, तो उसके अराउंड हमें कुछ फंड्स लगेंगे जिससे हम मार्केट में वी विल बी मोर एंड मोर अब्रेस, वी विल बी मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर एंड विल बी कैप्चरिंग मैक्सिमम साइज फ्रॉम द इंडस्ट्री. दूसरा, हमारा जो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, दैट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी इज नॉट अराउंड बर्निंग द कैश, बट इट इज हाउ वी अक्वायर बिजनेस थ्रू आर रिलेशंस इन द मार्केट. वो जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत जो हमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्विजिशंस के लिए पैसे लगने हैं, उसके लिए हमारा कुछ प्रोसीड्स यूटिलाइज होगा. उसके बाद हमारा जो IT इक्विपमेंट्स है, जो हमारे क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी हमारे कुछ फंड्स यूटिलाइज होंगे. तो इसके थ्रू हम ये विजुलाइज कर रहे हैं कि आगे आने वाले साल में वी विल बी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट. देखिए, जो सेगमेंट हम टारगेट कर रहे हैं, अगर आप UPI का कुछ स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व करोगे तो October 2019 वॉज द फर्स्ट मंथ वेयर UPI रीच्ड 1 बिलियन ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल मंथ. लेकिन October 2020 में वो डबल हो गया, 2 बिलियन इन अ मंथ. अब ये जो ट्रेंड है वो ईयरली डबल नहीं होने वाला. जो यूज केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारा भी प्रोडक्ट है विच इज एसोसिएटेड विद सिमिलर यूज केस अराउंड ऑटो पेमेंट्स एंड स्केड्यूल्ड पेमेंट्स, और जिस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, ये जितने भी नए यूज केसेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, इन अनदर 2-3 ईयर्स द इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट 1 बिलियन ट्रांजेक्शन पर डे. एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो a TPAP approved by NPCI, we want to be one of the key player in this market. तो ये पूरा opportunity है हमारे लिए. दूसरा, हम जिस merchant category में target कर रहे हैं, एक example दे रहा था मैं about societies, gym, hostels, ये जितने भी merchant category की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे merchant categories ऐसे हैं जहाँ पर more than 90% of transactions are completely manual in nature. तो ये हमारे लिए एक ओपन सेगमेंट है कम्प्लीटली, जो अगले 2-3 साल तक पूरा का पूरा नए बिजनेस एक्विजिशन पे फोकस करेगा. जो इसमें रेड ओशियन स्ट्रैटेजी आएगी वो काफ़ी लेट आएगी. दीपक जी, जैसा आपने बताया 1 बिलियन ट्रांजेक्शन पर डे, उसी तरह NPST की स्केलेबिलिटी के बारे में
देखिए ये तो बहुत क्रिटिकल है कि आज की तारीख में जितने भी प्लेयर्स मार्केट में डिजिटल पेमेंट्स पर काम कर रहे हैं उन्हें अपना प्रोडक्ट बहुत ही स्केलेबल बनाना पड़ेगा। एंड वी वर्क ऑन, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो वी वर्क ऑन दी माइक्रो सर्विसेज मॉडल। वो आज इंडस्ट्री में हर कोई अडॉप्ट कर रहा है एंड वी हैव डेवलप्ड आवर सॉल्यूशन इन सच अ वे दैट वो ओवरनाइट स्केल हो सकता है और वो ओवरनाइट उसे हम डबल या उससे कई मल्टीपल फैक्टर्स में ले जा सकते हैं टू मैनेज दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो टेक्निकली वी आर वेरी एडवांस बिकॉज फॉर 6 years वी हैव बीन बिल्डिंग द प्रोडक्ट। हमने पहले मर्चेंट पीएसपी और बाद मर्चेंट पीएसपी का सोचकर सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, हमने पहले सॉफ्टवेयर बनाया उसके बाद हम मर्चेंट पीएसपी में आए, तो दैट कैपेबिलिटी इज कंप्लीटली विद अस। दीपक जी, इस बिजनेस में रिस्क क्या है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट सुनील जी। अगर आप रिस्क की बात करें तो बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ऑब्सोलेंस का होता है। आई मीन यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। आपकी टेक्नोलॉजी किस तरह से स्केल कर रही है विज़ इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, वो आपको फ्यूचरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ आई हैव टू स्टे अलाइव, इफ आई हैव टू कंटिन्यू माय बिजनेस इन लॉन्ग रन, आई हैव टू इंश्योर दैट मैं आज की नहीं बल्कि फ्यूचर की सोच के अपना प्रोडक्ट लिखूँ। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जहाँ पर मुझे ऑब्सोल्यूट नहीं होना है, मुझे अपना प्रोडक्ट लगातार एनहांस करके लगातार इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को और नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क माई दैट यू नो यू विल कम अक्रॉस। दूसरा जो फैक्टर है वो है एक फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन का स्पीड इंडिया में, उस स्पीड को फॉलो करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो स्केल हो रहा है इंडस्ट्री में इट इज़ वेरी फास्ट और यही एक रीज़न है जो हम आज की तारीख में आईपीओ लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप ऑर्गेनाइजेशन की तरह ग्रो नहीं कर सकते। वी हैव टू कैप्चर मार्केट, वी हैव टू टेक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वी हैव टू गेट इनटू दोज एरियाज जहां पर हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रहे हैं और वो तभी होगा जब हम उस स्पीड को फॉलो कर सकें। सो स्पीड इज़ सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेट अस अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट the competition in certain areas of fintech segment, but it is the acquisition of the market that's very important. तो पहले वो acquisition करना ज़रूरी है, उसके बाद आपका competition stage आएगा। So these are three areas which we see as a risk factor. और उसका हमें हम पूरी तरह से तैयार है with this IPO. दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना मूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हमें उम्मीद है कि एनपीएसटी लिमिटेड और फिनटेक इंडस्ट्री की इस उपयोगी जानकारी से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया और अपनी कंपनी के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में बताने का एक मौका दिया। थैंक यू सो मच।